तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग आप सभी को। और इस वीडियो मेरे को सुबह सुबह इसीलिए बनाना पड़ा है, गुड न्यूज दोस्तों आप लोगों के लिए भी है और मेरे लिए भी है, क्योंकि आप लोगों को मैं मानकर चलो इस वीडियो का मतलब से साजेस्ट बता सकता हूँ, तो मेरा भी थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ेगा और आपका भी दोस्तों वीडियो का मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए आज का वीडियो का माध्यम से दोस्तों हम लोग बात करेंगे आधार कार्ड के साथ राशन कार्ड लिंक कैसे करेंगे। दोस्तों फिर से दोस्तों न्यू अपडेट आ चुका है और इस अपडेट को आपको पूरा करना ही पड़ेगा, नहीं तो दोस्तों आपका आधार कार्ड ब्लॉक हो सकती है, सॉरी राशन कार्ड ब्लॉक हो सकती है। तो चलिए, मैं दोस्तों सुबह सुबह उठ के आज मेरे को एक न्यूज मिला है, जैसे कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप होता है, हम एक CSC वाली है और हम राशन कार्ड के साथ आधार लिंक भी करता है, तो उसी लिए दोस्तों हमारे ग्रुप होता है, ठीक, ग्रुप में हमको मैसेज किया है। तो फिर से दोस्तों हमको कमाने का मौका आ चुका है जो राशन कार्ड का साथ आधार लिंक जो एजेंट होता है बनने का। तो चलिए आज का इस वीडियो का माध्यम से हम लोग पूरा प्रोसेस बात करेंगे और शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे कैसे हम इसको ले सकती है और इसको फुल प्रोसेस कैसे कर सकती है और इस एजेंट लेके दोस्तों हम क्या कर सकती है कि नहीं कर सकती है, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपका भाई का जन्म जल्द मेरा नाम अशोक और आप सभी को हमारे इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों हम लोगों में से काफ़ी सारा भाई लोग अभी भी आधार कार्ड के साथ राशन कार्ड लिंक नहीं कर पा रहा है और उसी का कारण दोस्तों हमको अभी तक डीलर जो है दोस्तों हमको रेशो नहीं दे रहा है। तो ये दोस्तों अभी हमको रेशन नहीं दे रहा है, इसके लिए हमारा आधार लिंक नहीं है, उसके लिए नहीं दे रहा है। तो फाइनल दोस्तों हमको फिर से दोबारा मौका दे रहा है जो हमारा गवर्नमेंट ने है, वो आपको फिर से दोबारा मौका कैसे दे रहा है, द्वारे सरकार। दोस्तों जनवरी महीने से दोस्तों फिर से दोबारा लॉन्च होने वाला है द्वारे सरकार और उस जगह में दोस्तों आधार कार्ड के साथ राशन कार्ड लिंक कर सकती है, मोबाइल नंबर भी लिंक कर सकती है और दोस्तों बहुत सारा काम आपको मिल सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। आप जिसका पास दोस्तों इसका आईडी और पासवर्ड है और वो कैसे काम करेगा, चलिए मैं आपको एक नज़ारा दिखा देता हूँ। दोस्तों मैं एक मोबाइल मेरे पास है और अगर दोस्तों आप इसका एजेंट आईडी बनना चाहता है तो इस वीडियो को गौर से सुनो और गौर से आप इस वीडियो को वॉच करो, पूरा क्लियर बता देता देंगे 5 मिनट के अंदर, ठीक है दोस्तों कैसे आपको लेना है। फिर से दोबारा दोस्तों अपडेट आ चुका है, अभी भी दोस्तों बहुत सारा भाई लोगों को राशन कार्ड के साथ आधार लिंक नहीं है और उसको अभी सामान नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो फाइनल दोस्तों वो दिन आ चुका है, हमको और उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम दोस्तों अभी फिर से दोबारा एजेंट बन के काम कर सकती है और सबको मदद हम कर सकती है। चलिए दोस्तों मैं सबसे पहले जब हम स्क्रीन रिकॉर्ड स्टार्ट करेंगे उससे पहले दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों अब स्क्रीन में देख सकती है ये दोस्तों हमारा डैशबोर्ड है, चलिए मैं इसको बैक कर लेता हूँ, फिर से दोस्तों इसको बैक करके इसमें रिमूव कर देता हूँ जैसे कि। और दोस्तों हमारा जो एप्लीकेशन है खाद्य साथी ऐप, इसको हम ओपन करेंगे, ठीक है ना। दोस्तों जब मैं आपके सामने दो ऑप्शन आ जाता है, नॉर्मल एजेंट, द्वारे सरकार। दोस्तों द्वारे सरकार जो आई डी है हमको मिल गया है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको लॉग इन करना है। द्वारे सरकार में क्लिक करेंगे, इसमें दोस्तों आपको बता रहा है, मैं आपको बता देता हूँ फुल प्रोसेस बता देता हूँ दोस्तों द्वारे सरकार का एजेंट आईडी कैसे आपको मिलता है। दोस्तों नॉर्मल एजेंट में क्या होता है, आपका एजेंट आईडी और नीचे पासवर्ड डालना पड़ता है, नहीं तो दोस्तों आपको द्वारे सरकार आईडी में आपको कैंप आईडी और पासवर्ड डालना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे क्या करना है। सबसे पहले दोस्तों अगर आप एजेंट है तो आप दोस्तों में दोनों तरफ से बताएंगे, जो एजेंट नहीं है वो कैसे एजेंट ले सकती है उसके लिए बनाएंगे और जो एजेंट है उसके लिए क्या द्वारे सरकार में कैसे लॉगिन करना है। सबसे पहले दोस्तों आपका जो कोड होगा उस कोड को यूज़ करना है, जो आपका यूज़र आईडी होगा एजेंट आईडी। कैम आईडी में दोस्तों आप कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। कैम आईडी ऐसा नहीं है जो, देखो दोस्तों मैं मान के चलो नॉर्मल एक कैम आईडी डाल देंगे, इसमें 7890 ये मेरा एजेंट कोड है। उसके दोस्तों पासवर्ड का जाना, दोस्तों आपका जो पासवर्ड है मोबाइल का वही बोलो तो जो एजेंट में नॉर्मल एजेंट में पासवर्ड दिया था वही आपको डालना है और वही दोस्तों आपको एजेंट आईडी डालना है। चलिए मैं जहाँ पासवर्ड को डाल देता हूँ, तो दोस्तों मैं जहाँ पासवर्ड को फिल कर दिया हूँ, करने के बाद क्या है लॉग इन बटन में क्लिक करेंगे सैम्पल, ठीक है ना। अभी दोस्तों मेरा लॉग इन बटन में जब हम क्लिक करेंगे दोस्तों आप देख सकते हो प्लीज़ वेट कर रहा है और अभी दोस्तों हमारा देख पा रहे हैं द्वारे सरकार को आईडी है हमको मिल गया है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। आप दोस्तों अभी आपको बताएंगे कैसे आप ले सकती है इसके एजेंट आईडी। दोस्तों जैसा देख सकते हैं इसमें जो कैम आईडी मेरा ऊपर आएगा 7890, उसके अंदर दोस्तों आप राशन कार्ड का नंबर डालना है। चलिए मैं बताता हूँ, इसमें दोस्तों नीचे राशन कार्ड नंबर डालना, मुझे लगे एग्जाम के लिए मैं जो भी एक राशन कार्ड नंबर डालेंगे 0401736 ऐसा डाल के दोस्तों मैं एक राशन कार्ड नंबर डालेंगे। इसमें दोस्तों बताया इंटर बेनिफिशियरी, तो अभी हमको क्या करेंगे सिलेक्ट करेंगे इसको और बेनिफिशियरी आईडी, जो मेरा बेनिफिशियरी आईडी है 7890 डाला हूँ, इसमें 7890 डाल के दोस्तों
सबमिट करेंगे। दोस्तों अभी लोडिंग लेगा जो हमारा रेशन कार्ड है, इसमें दोस्तों इसी नंबर पे रेशन कार्ड नहीं है, चलिए मैं इसको एक दूसरा डाल देंगे, मैं एग्जाम के लिए बना रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मेरा पास अभी कंफर्म नहीं है जो मेरा ये रेशन कार्ड डाल रहा हूँ। ठीक है तो चलिए मैं इसको और डाल देता हूँ दूसरा रेशन कार्ड नंबर। ठीक है तो दोस्तों आप देख सकती है आपके सामने इस तरह रेशन कार्ड का पूरा डिटेल्स आ जाएगा। और इसके देखो मैं बोला था ना, बहुत सारा बंदा का अभी भी रेशन कार्ड का साथ आधार लिंक नहीं है, तो वो दोस्तों अभी बिल्कुल जा सकती है दोबारा सरकार में और वो रेशन कार्ड का साथ आधार लिंक कर सकती है बिल्कुल ही जी में। दोस्तों देखो एक व्यक्ति एक इस घर में 6 रेशन कार्ड है दोस्तों, 2 रेशन कार्ड में अभी भी फोन नंबर भी लिंक नहीं है और आधार कार्ड भी लिंक नहीं है जो आपको देख पा रहे लाइव में। ठीक है तो आपको अभी मौका आ चुका है, रेशन कार्ड का साथ आधार लिंक करो, नहीं तो दोस्तों आपका मौका शायद चला जाएगा, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलिए मैं इसको बैक कर लेता हूँ इस जगह में। और इस आईडी लेने के लिए दोस्तों अभी क्या करना पड़ेगा, चलिए मैं इसको रख देता हूँ इस जगह में। और इस आईडी लेने के लिए दोस्तों हमको क्या करना पड़ेगा, मैं सबसे पहले इस वीडियो को मतलब से बताने की कोशिश करेंगे। ये जो आईडी है ना फ्रेंड्स, बिल्कुल आप ले सकती है बिल्कुल फ्री में, कैसे लेगा दोस्तों दुआरे सरकार जो। तो दोस्तों अभी आप कैसे ले सकते हैं इसका आईडी, मैं आपको फुल प्रोसेस बता देता हूँ और आपको जला जाना है उस जगह में। दोस्तों आपको क्या करना है, आपका नज़दीक का खाद्य दफ्तर है, आपको पता है वेस्ट बंगाल का सबको दोस्तों फिर से इसका काम आ चुका है, आपको करना है दुआरे सरकार में। ठीक है रेशन कार्ड का साथ आधार लिंक करना है, बहुत सारा व्यक्ति अभी भी रेशन कार्ड का साथ आधार लिंक नहीं किया है तो आपको करना जरूरी है। ठीक है क्योंकि अगर आपका रेशन कार्ड बैंड हो जाएगा तो आपका प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों ये भी बोलने के लिए कोशिश करेंगे, अगर इस वीडियो देख रहे हैं आप सभी बंदा जाके, मेरा जितना सब्सक्राइबर देख रहा है उससे ज़्यादा भी व्यक्ति देख सकते हैं इस वीडियो को, तो आप लोग मान के चला चला जाएगा तो आपको तो नहीं मिलेगा ना, उसके लिए मैं आपको टर्म एंड कंडीशन बता देता हूँ क्या करना है, तब आपको मिल सकती है। ठीक है दोस्तों देखो, अगर आपके पास CSC कॉमन सर्विस सेंटर है तो दोस्तों इसका आइडिया आप ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में। कैसे लेगा दोस्तों मैं बता देता हूँ, आपका अगर आपका एरिया में खाद्य दफ्तर है, ब्लॉक होता है, म्यूनसिपिटल है तो म्यूनसिपिटल में जाकर बात कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ब्लॉक में सबसे अच्छा होता है, जो शहर में है उसके लिए म्यूनसिपिटल होता है बोलो तो उसका ब्लॉक नहीं होता है, अभी ग्रामीण के लिए ब्लॉक होता है। तो चलिए CSC के माध्यम से आप किस तरह ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों CSC के माध्यम से दोस्तों आप इस तरह ले सकते हैं, जैसे कि मान के चलो अगर आपके पास CSC आईडी है और आप फोटो वगैरह खींच के लेके जाएगा खाद्य दफ्तर में, जहाँ से कार्ड रेशन बिली होता है उस जगह पे बोलना पड़ेगा सर मेरे को रेशन कार्ड का आधार लिंक करना है, एजेंट आईडी चाहिए, मेरे को दे सकता है कि नहीं दे सकता है, वो दोस्तों चुपके बोल देगा नहीं दे सकता है, लेकिन दोस्तों उसको आप थोड़ा रिक्वेस्ट करना है तब दोस्तों आपको रेशन कार्ड का साथ जो एजेंट आईडी खाद्य साथी का जो ऐप है उस आपको APK डाउनलोड करके देगा और उस जगह में आपको एक यूज़र आईडी पासवर्ड बना के देगा और बिल्कुल दोस्तों घर बैठे आप आधार कार्ड का साथ रेशन कार्ड लिंक कर सकते किसी का भी। लेकिन दोस्तों पैसा लेने का जरूरत नहीं है, बोलो पैसा नहीं लेना, आपको दोस्तों कमीशन मिलेगा। ठीक है आपको पैसा लेने का जरूरत नहीं है, आपको कमीशन मिलेगा गवर्नमेंट का द्वारा, आप कमीशन उसी कमीशन से ले रहे हैं। तो मान के चलो आप अगर मान के चलो पैसा किसी के पास ले लेता है KYC करने के लिए, तो दोस्तों अगर आप मान के चलो पकड़ जाएगा तो आपका लीगल एक्शन ले सकती है गवर्नमेंट से। ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों रेशन कार्ड का आधार लिंक करने के लिए आपको गवर्नमेंट ने कमीशन दे रहा है, और अगर आप कस्टमर से पैसा ले रहे हैं और उस पैसा मान के चलो किसी को पता हो गया है जो आप KYC करने पर पैसा ले रहा है, तो आपका ऊपर लीगल एक्शन हो सकती है, तो आपको सोच समझ के करना है। चलिए फिर मिलेंगे कुछ नए लेके, जैसे कि हमारे इस यूट्यूब चैनल की तरफ से इसी तरह कंटेंट आता रहेगा, तो चैनल को लाइक करो शेयर करो, फेसबुक में देख रहे हैं दोस्तों फेसबुक को आप जरूर फॉलो करो, क्योंकि दोस्तों हमारा फेसबुक पेज है डिजिटल अशोक स्टोर, आप एक बार उस जहाँ में भी चेकआउट कर सकती है, कोई बंदा फेसबुक में एक्टिव रहता है, कोई बंदा यूट्यूब में एक्टिव रहता है, तो जिसको जहाँ पे है दोस्तों सिर्फ फॉलो करो हमको। ठीक है थैंक यू, मिलेंगे कुछ नए लेके, बाय।